आइए हम लोग पढ़ने के स्टार्ट करते हैं आज थोड़ा प्रैक्टिकली रूप से बहुत और डिटेल में अच्छा से पढ़ेंगे मैग्नेटिक्स क्या होता है। देखिए ओ माय गॉड मेरा बार चुंबक तो टूट गया है, इतना नुकसान हो जाता है प्रैक्टिकल बनाने में। देखिए हमारे हाथ में एक लोहा है, एक ऐसे पदार्थ हमने लिया जिसको क्या कर रहा है, इसको आप अट्रैक्ट कर लिया ठीक। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक्स बोलते हैं ठीक। आइए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसको देखते हैं। चुंबक, चुंबक क्या होता है बताया कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिसे किसी लोहे के पास ले जाते हैं तो उसे क्या करता है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं ठीक। चुंबकत्व, जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास लाते हैं तो वह क्या करता है अपनी ओर उसे आकर्षित कर लेता है, इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, चुंबकत्व बोलते हैं ठीक। चुंबकीय पदार्थ का, चुंबकीय पदार्थ चुंबक का प्रकार हम लोग देख सकते हैं, चुंबक के प्रकार, ये चुंबक दो प्रकार का होता है, एक हमारा प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। अभी जो हम आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे थे जो हमारे दंड चुंबक, जो बार चुंबक हमने लिया था वह हमारा प्राकृतिक चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक क्या होता है, यह मैन्युफैक्चरल फैक्टराइज किया गया मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया जो चुंबक होता है उसको हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं ठीक है। चुंबकीय पदार्थ का जो वर्गीकरण किया जाता है तीन प्रकार से, ध्यान समझिएगा बहुत ही डिटेल में आपको अच्छा तरीके समझ में आएगा। पहला बताया जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ बताया जाता है कि ऐसे पदार्थ जैसे किसी भारी चुंबक के पास लाने पर अल्प मात्रा में आकर्षित होते हैं। देखिए जब हम किसी भारी चुंबक के पास लाएंगे तो क्या होगा, अल्प आकर्षित होता है, अल्प रूप से आकर्षित होता है, ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे हमारा एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया और कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब जो चीजें होती हैं इन्हें हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ में आते हैं। चुंबक के पास लेते हैं तो अल्प रूप से आकर्षित हो जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बताया जाता है कि ऐसे पदार्थ जो अल्प रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, अल्प रूप से क्या होते हैं, बाहर की ओर प्रतिकर्षित होते हैं, थोड़ा सा दूर हट जाते हैं चुंबक के पास रहने पर, तो ऐसे पदार्थ को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारा एजी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एसजी हो गया, मरकरी, ये जो चीज़ें होती हैं इनको हम जब किसी भारी चुंबक के पास लेते हैं अल्प रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो अत्यधिक रूप से आकर्षित होते हैं, क्या होते हैं, अत्यधिक रूप से आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे हमारा लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया और टीन हो गया ठीक, ये जो पदार्थ होते हैं ये हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसे लोहे के पास लाते हैं, किसी चुंबक के पास लाते हैं तो अधिक मात्रा में उसको क्या करता है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसे हम लौह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं ठीक। देखिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एकदम सिंपल सा है, किसी भी चुंबक के बाहर का वह क्षेत्र जहां किसी दूसरे चुंबक को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, मैंने आपको प्रैक्टिकली रूप से बताया था। देख लीजिए जैसे हमारे हाथ में दो मैग्नेटिक्स है, इसको जहां क्या दूर है तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे कर रहे हैं इसको क्या कर रहा है, ये इसको आकर्षित कर रहा है ठीक, अभी कोई प्रभाव नहीं है लेकिन यहाँ पे लाने पर उसको आकर्षित कर रहा है। तो ऐसे ऐसे दूरी जहां तक वो आकर्षित कर लेता है उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं ठीक है। या फिर किसी चुंबक के बाहर रखा गया मतलब किसी बाहर का वह क्षेत्र जहां किसी चुंबकीय सुई को लाने पर उसे अपनी ओर उसमें आघूर्ण उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय बल रेखाएं, ध्यान दीजिएगा चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बताया जाता है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती हैं, इन्हीं रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर गति करती हैं ठीक। इसके कुछ गुण भी है, गुण है जैसे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, कभी काटती नहीं है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, और बताएगा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, समपाती होती हैं ठीक। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो होती है ध्रुवों पर अधिक होती है,
ध्रुव पे इनकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है। और इनके बीच में एक उदासीन बिंदु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उदासीन बिंदु। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चुंबक को आसानी से हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें चुंबकीय बल रेखाओं के अंतर्गत कुछ नियम भी हैं, उसके पहले हम लोग जानना चाहेंगे चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। विद्युत धारा कांड चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ना है। विद्युत धारा कांड और चुंबकीय क्षेत्र इसी को बायो सेवर्ट ने सबसे पहले डिफाइन किया था, इसलिए बायो सेवर्ट का नियम भी जानते हैं। देख लीजिए, बहुत ही आसान और अच्छी तरीके से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बायो सेवर्ट ने बताया कि जब हम किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक खंड के लंबाई कारण किसी बिंदु पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जैसे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है, सपोज क्षैतिज से थीटा कोण पे है, तो बायो सेवर्ट ने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो चालक खंड लिए है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जो बीच में कोण बन रहा है उसके ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, और यह चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इन चारों कॉम्बिनेशन को फ्रॉम 1 to 4 वह 1 से 4 को अगर हम मिला देते हैं तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल चेन लगाते कोई कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट म्यू म्यू 0.4 पाई लगाया जाता है, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। यह हमारा बायो सेवर्ट सूत्र होता है जहाँ म्यू 0/4 पाई नियतांक होता है, बायो सेवर्ट नियतांक है। इसकी वैल्यू 10^-7 होता है म्यू 0/4 पाई की। ठीक है, याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लाभकारी है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो फिजिक्स आपको बहुत ही इजी से समझ में आएगा, इसमें कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो कि आपको प्रॉब्लम समझ में आए। चलिए हम लोग चुंबकीय बल ज्ञात करने के नियम पढ़ लेते हैं। इसमें पहला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। बिल्कुल एकदम आसान है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे एकदम आसानी समझ में आएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग क्या होता है कि अगर हम अपने बाएं हाथ की अंगूठा, ठीक, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा तर्जनी और मध्यमा किस पर फैलाएं कि तीनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो। देखिए बिल्कुल इस तरीके से, तो वहां पर जो हमारा अंगूठा होता है, ठीक है, फिगर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये हमारा हैंड है, ये हमारा अंगूठा है। ठीक, तो यह हमारा बताया गया कि जो चुंबकीय बल की दिशा दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाता है, और जो हमारा बीच वाली अंगूठी होती मतलब मध्यमा होती है हमारी चुंबकीय धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब इस प्रकार फैलाएं कि जो बीच वाला अगर हमारे चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए या धारा को दिखाए तो इसके लंबवत क्या होता है, चुंबकीय बल कार्य करता है। ठीक है, दूसरा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग ने बताया अगर हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि हमारे चारों उंगलियां अंगूठे के साथ लंबवत हो, चारों उंगलियां हमारे अंगूठे के साथ लंबवत हो, तो चारों उंगलियां जो होती है वो धारा दिखाती है, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय बल क्या होता है, बिल्कुल ऐसे लंबवत कार्य करता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, जो हमारी चारों उंगलियां हैं सपोज, या अगर हमारी धारा की दिशा को दिखाएं, अंगूठा जो है वह चुंबकीय क्षेत्र को दिशा दिखाएं, जिसके लंबवत हमारा क्या करता है, चुंबकीय बल कार्य करता है। ठीक है, बिल्कुल आसानी तरीके से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक और नियम है इसमें, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। ठीक, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त
पेंच का नियर, बिल्कुल आसानी। मैक्सवेल ने क्या बताया कि अगर हम अपने हाथ में किसी पेचकस को लोकेट कर इस प्रकार फैलाएं कि देखिए जैसे हमारे हाथ में पेचकस, ठीक, इसमें अगर हम कोई भी पेच रखकर किस प्रकार घुमाएं, इसको दस को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, अगर क्या करें इसको हम दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं तो पेच क्या होती है अंदर की ओर प्रवेश करती है। तो इस तरीके से बताया जाता है कि अगर हम इस तरीके से उसको घुमाएं कि पेच जो है वह अंदर की ओर अगर प्रवेश हो तो उस कंडीशन में ठीक, तो यह हमारा धारक दिशा की दिखाती है, जो दिशा में हम घुमा रहे चुंबकीय दिशा जाता है तो इसके लंबवत हमारा चुंबकीय बल कार्य करता है, ठीक, मतलब जिस दिशा में पेच जा रही हो वह चुंबकीय धारक दिशा को दिखाए, ठीक, और जिस दिशा में घुमा रहे उधर दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हो तो इन दोनों के लंबवत ऐसे पी से क्यू की ओर चुंबकीय बल कार्य करता है, ठीक, एकदम आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं हम लोग।